हेलो गाइस, आज की न्यू अपडेट आप देख सकते हैं। आज आपके लिए एक नई वीडियो DDA DV एडमिट कार्ड 2024। DD की तरफ से आज की डेट में पटवारी पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन साथियों भाई बहनों को इंतज़ार था कि पटवारी पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे, कैसे जारी होंगे, अभी DD की तरफ से कुछ दिन पहले पटवारी पोस्ट के लिए जो वेरिफिकेशन डेट जारी की गई थी 2 जुलाई, तो आज की डेट में अब इस पोस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी कुछ स्टेप फॉलो करते हुए बहुत आसान तरीके से, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से। तो चलते हैं दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां आपको ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है कुछ स्टेप फॉलो करते हुए। तो लास्ट ऑफ वीडियो बन रही है, देखिए फुल प्रोसेस। दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को स्किप करने से पहले आपको कोई पॉइंट ना छूटे, इसलिए आपको लास्ट ऑफ वीडियो देखना है। तो सिंपली क्या करना है, आपको आना ऑफिशियल वेबसाइट पर DD की पे, जब सभी आपको डिटेल दिखाई जाएगी। इससे पहले दोस्तों हमने पहले एक वीडियो बनाई थी इसके बारे में, उसके बारे में बताया था आपको जो पटवारी पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट सॉलिश किए गए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, कब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है वो क्या डेट थी, सभी हमने जानकारी पहले वीडियो में दे रखी है, वो सब जाके देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। इस वीडियो में जानेंगे कि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, कैसे करना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा डायरेक्टली वेबसाइट पर आने के लिए, वहाँ से आप लिंक ओपन कर सकते हैं या टेलीग्राम से आप ओपन कर लेंगे। ओपन होने के बाद में आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जो भी आपको अपडेट आती है नोटिस की, रिजल्ट की, एडमिट कार्ड की, आपको सभी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। देख सकते हैं वो आज की डेट में डायरी रिक्वायरमेंट लिंक ऑफ डाउनलोड कॉल लेटर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा। क्लिक टू हेयर व्यू डिटेल, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ आपको अपना कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ डिटेल फिल करनी होगी। आप ये देख सकते हैं नीचे आने के बाद आपको कुछ डिटेल जैसा फिल करनी है। यूज़र आईडी आपको यहाँ फिल करेंगे, उसके बाद पासवर्ड डालेंगे, कैचअप कोड डालेंगे, सीधा आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। बहुत से हमारे साथी ऐसे हैं जिनके पास सभी चीज़ें उपलब्ध होगी, अभी वो अपना डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जिनके पास ये चीज़ें नहीं है, यूज़र आईडी नहीं है, पासवर्ड नहीं है, वो कैसे कर सकते हैं, कैसे फॉरगेट कर सकते हैं, उसका भी दोस्तों आपका समाधान इस वीडियो में देंगे। आप थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं जिनके पास यूज़र आईडी नहीं है तो यहाँ से अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपका पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ पर ऑप्शन नीचे दिया गया है। फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए आपको यहाँ कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे। मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के माध्यम से आपको SMS प्राप्त होगा, तो वहाँ से यूज़र आईडी अपने पासवर्ड निकाल सकते हैं। अगर फॉरगेट नहीं करना चाहते हैं, पहले से आपके पास है, तो डिटेल फिल करें। फिल करने के बाद में कैचअप कोड डालें और यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा बेसिक डिटेल का। जैसे आपके यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल होगी, पर्सनल डिटेल होगी, नीचे नाम, फादर नेम, आपका एप्लीकेशन नंबर, सभी डिटेल आपको दिखाई देगी। सेकंड ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन आपको दिखाई देगा वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एडमिट कार्ड, तो वहाँ जाकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको कुछ डिटेल आपको नीचे ओपन हो जाएगी। एडमिट कार्ड लिंक आपको जहाँ दिखाई देगा नीला ब्लू कलर का जो भी दिखाई देगा वहाँ से क्लिक करके अपने आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में दोस्तों अगर फ़ोन में डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा 3 डॉट पे जाएंगे। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद में वो आपको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जाके शो होगा वो एडमिट कार्ड। ठीक है दोस्तों, वहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे, प्रिंट निकाल सकते हैं। जो बेसिक डिटेल होगी आपकी वो आपको एडमिट कार्ड में ही शो हो जाएगी। एडमिट कार्ड में आपको दिखाया जाएगा सेंटर कहाँ पर जाना है, आपको डेट क्या है, आपकी रिपोर्टिंग टाइम क्या है, वो सभी आपको वहाँ पर दिखाई देगा। डॉक्यूमेंट्स क्या कर लेके जाने हैं, क्या नहीं लेके जाने हैं, एक्सपेंस सर्टिफिकेट वगैरह, वो सभी आपको यहाँ पर इसमें एडमिट कार्ड में दी जाएगी। और दोस्तों एक चीज़ की यहाँ पर आपको समाधान ही मिलेगा, DD की तरफ से आपको समस्या कोई आती है किसी चीज़ में भी तो उनके हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, वो आपको एडमिट कार्ड में डिटेल दे दी जाएगी। तो दोस्तों यही है प्रोसेस आपको जो बताया गया है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, कि समाधान आपको इस वीडियो में सभी चीज़ों का मिल गया होगा। एडमिट कार्ड का आपको कैसे डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, डायरेक्टली वीडियो के माध्यम से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के माध्यम से कोई समस्या आपको आती है तो कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी। इस वीडियो से आपको कहीं भी फ़ायदा लगा हो या आने वाले इस वीडियो से आपको कहीं भी फ़ायदा आए तो आपको दोस्तों अपना रिव्यू जरूर दें कमेंट बॉक्स में। लाइक करके दोस्तों आपका चैनल को आगे बढ़ाएँ। आने वाले जो टाइम होगा DD की तरफ से जो भी वैकेंसी आएगी आपको अपडेट मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। ये दोस्तों वीडियो आपको जो बनाई जाती है आपके फ़ायदे के लिए ही बनाई जाती है कि आपको टाइम टाइम अपडेट मिलती रहे, कुछ प्रकार की समस्या ना आए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।